और PK-23 शांगला इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज की तैनाती और इख्तियारात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज के अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दे दिए हैं और PK-23 शांगला में इंतखाब पाक फौज की निगरानी में होगा। ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन का। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात होंगे। पाक फौज के जवान 9 से 11 सितंबर तक तैनात रहेंगे। PK-23 शांगला में खवातीन के कम वोट पोल होने पर दोबारा पोलिंग 10 सितंबर को होगी। इसी मुतालिक आपको खबर दें कि PK-23 शांगला में इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज की तैनाती और इख्तियारात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज के अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दे दिए हैं और PK-23 शांगला में इंतखाब पाक फौज की निगरानी में होगा। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात किए जाएंगे। पाक फौज के जवान 9 से 11 सितंबर तक तैनात रहेंगे। ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन का। वाज़ेह है कि PK-23 शांगला में खवातीन की जानिब से कम वोट पोल किए जाने पर दोबारा पोलिंग 10 सितंबर को हो रही है। इसी मुतालिक PK-23 शांगला में इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज की तैनाती और इख्तियारात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।